इन दिनों प्रदेश भर में हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। शासन और प्रशासन जहां परीक्षा केंद्रों पर नकल रहित परीक्षाएं आयोजित किए जाने के लंबे चौड़े दावे कर रहा है, तो वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहरी हस्तक्षेप और नकल डाले जाने की जिस प्रकार की वीडियो वायरल हो रही है, उससे साफ पता चलता है कि प्रशासन के लाख प्रयास करने के बावजूद भी नकल धड़ल्ले से चल रही है। ऐसा ही एक मामला झज्जर जिले के बादली सब डिवीजन का सामने आया है, जहां बूपनिया गांव में गत दिवस बोर्ड की 12वीं की परीक्षा थी। केंद्र के बाहर पुलिस का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन यहां परीक्षा केंद्र के बाहर से नकल डालने वालों की खूब मौज रही। तो वहीं जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो प्रशासन की आंखें खुली, जिसके बाद बादली के SDM विशाल कुमार ने मामला संज्ञान में होने के साथ साथ कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी कर्मचारी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बुकने गांव में एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमें एक संज्ञान में आया था मामला, तो मैंने पर्सनली पुलिस के आला अधिकारी भी सब साथ थे, तो मैंने विजिट किया वहाँ पर और देखा है कि बाहर से कुछ एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हुई है। तो उस एक्सटर्नल डिस्टरबेंस को हम हल्के में नहीं ले रहे। वहाँ पे मैंने सबको बात भी की है कि भविष्य में उनको चेताया भी है और जो जिसने किया है उसके खिलाफ बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 144 सेक्शन लगा हुआ है और परीक्षा केंद्र के बाहर किसी भी प्रकार की 144 की उल्लंघना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए जो हमारी 188 सेक्शन है उसके अंदर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान है और ऑलरेडी इस बारे में पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की जा चुकी है। जो भी दोषी हैं उनके ऊपर 188 में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और किसी भी प्रकार की इस तरह की जो शरारत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ जो वहाँ के पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। अलग से एक पंचायत जो सामाजिक लोग हैं उनको भी कल बुलाया है, उनको भी हम समझाएंगे कि इस प्रकार की चीज़ उचित नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है बोर्ड की तरफ से भी, DC साहब की तरफ से भी, कि हमें नकल रहित परीक्षा करवानी है और बिल्कुल शांति के साथ, ताकि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व उसमें कुछ गड़बड़ ना कर पाएँ। और जैसे आज बूपनिया में हम 188 में कार्रवाई कर रहे हैं, तो इससे भी हमें कड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि कृपया करके परीक्षा केंद्र से अभिभावक भी और दूसरे अन्य असामाजिक तत्व बिल्कुल दूर रहें, परीक्षा को शांति और सुचारू रूप से चलने दें। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षाएं शुरू होते ही इस तरह की वीडियो अक्सर सामने आती रहती हैं। आप इसे परीक्षा केंद्रों की लापरवाही कहें या प्रशासन की लापरवाही। झज्जर से जगदीप राजियान, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।